हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लेक्चर वन में देखा था कि किस तरीके से हम लोग बीम एंड कॉलम्स और पैड फुटिंग को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए अच्छा होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है या आप क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देखिए। सो उसके बाद सब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके ऊपर रेनफोर्समेंट डालते हैं, मींस बीम के ऊपर रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं, कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं, पैड फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस में सेक्शन एंड जीए रैंक्स एंड ऑल के बारे में डिस्कस होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रेनफोर्समेंट डालना होता है इसमें। तो रेनफोर्समेंट डालने के लिए आपको यहाँ पे आना है एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे सर्च पे जाना है, और सर्च पे आके आप देखिए किस पे डालना है, चाहे आप कॉलम पे या बीम पे जिस पे आप डालते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सर्च बॉक्स में, सपोज हमने डाल दिया बीम, ठीक है। और बीम देने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके पास बीम का रेनफोर्समेंट आ गया। आप क्या कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं बीम का जो रेनफोर्समेंट है ये है, एक्चुअली बीम रेनफोर्समेंट ये है। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबर दिया हो कि ना दिया हो, 63। तो अगर आपको बीम नहीं डालना है, आपको टाइम सेव करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ डाल दीजिए क्या 63 और यहाँ पे फाइल चलने लगती है। इस फाइल को भी बंद मत करिएगा क्योंकि ये फाइल जो है ये आपको सपोर्टिंग फाइल होती है जिसपे कोडिंग होके देखिए इस तरीके से प्रॉपर इसे बीम में हमारे पास यहाँ पे देखिए स्ट्रीम पड़ गया है, देखिए पड़ गया स्ट्रीम। आगे इसके एडिटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा सब में रेनफोर्समेंट पहले डालना चाहेंगे। इसमें रेनफोर्ट डाल दिया, बस कॉर्नर पर क्लिक करना है और वेट करना है, क्लिक करना है वेट करना है, क्लिक करना है वेट करना है, क्लिक करना है वेट करना है, ठीक है। और इस तरीके से अभी मान लीजिए आपने बोला कि सर बीम पे तो आपने डाल दिया, कॉलम पे कैसे डालेंगे? तो कॉलम पे डालने के लिए बहुत आसान है, कैसे भाई, यहाँ पे जाइए और यहाँ डाल दीजिए कॉलम और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे अब देखिए इसमें आप कॉलम, उसको नहीं पता ना कि स्टील कॉलम डाल रहे हो कि कंक्रीट कॉलम, तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका क्या है कंक्रीट कॉलम है। देखिए कंक्रीट कॉलम हमने यहाँ से ले लिया, और कंक्रीट कॉलम लेने के बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए आपके पास प्रॉपर कॉलम बन गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी हमने कॉलम डाल दिया, कॉलम पे डाल दिया, ठीक है। मैं अभी कोई सीरीज से नहीं कर रहा हूँ, सीरीज से करने के लिए पहले लोगों को पैड फुटिंग में डालना होता है, मैं बस आपको रेनफोर्समेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने बीम पे जब रेनफोर्समेंट डाल दिया तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम कॉलम पे कैसे रेनफोर्समेंट डालेंगे। तो कॉलम पे रेनफोर्समेंट के लिए आपको यहाँ पे कॉलम सर्च कराना है, कॉलम सर्च कराने के बाद यहाँ देखिए 83 नंबर, या डायरेक्ट आप यहाँ पे 83 भी सर्च करेंगे तो भी चलेगा। ये किसके लिए, ये है रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, अगर आपको राउंड कॉलम यूज करना है तो आप इसको यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास कॉलम पड़ गया, और ये देखिए यहाँ पे कॉलम पड़ गया, और यहाँ पे कॉलम, इसका हुक बार सब कुछ हम लोग चेंज करने वाले हैं, देखिए बहुत बहुत मजा आने वाला है अभी, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसमें रेनफोर्समेंट पड़ गया, इसमें रेनफोर्समेंट पड़ गया, इसमें रेनफोर्समेंट इस तरीके से डाल दिया, इसमें ये कुछ रहता नहीं। और ये तो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, और आपके लिए अच्छा ये होगा कि जैसे कि आपके कुछ कॉलम सेम होंगे, उनके रेनफोर्समेंट सेम होंगे, तो क्या करिए एक कॉलम को कर लीजिए, उसमें सारा रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, और उसके बाद उसको डायरेक्ट कॉपी कराइए। तो वो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट के साथ कॉपी हो जाएगा वो, तो उससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, अलग अलग अगर आप वेट कर करके करेंगे तो आपको टाइम लगेगा रेनफोर्समेंट डालने में, ठीक है। तो देखिए सब रेनफोर्समेंट लगभग मैंने डाल दिया है, और अभी भी मैं सारे में नहीं डाला है, अभी एक एक करके डाल देंगे। इसके अलावा आप मान लीजिए पैड फुटिंग है, तो पैड फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे डालना है, पैड फुटिंग में रेनफोर्समेंट डालने के लिए फिर से आ जाइए और यहाँ पे सर्च करा दीजिए क्या, ये इसके बारे में एक एक करके मैं बहुत डिस्कस डीप पे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। बट अभी हम लोग रेनफोर्समेंट को पहले पढ़ लेते हैं कैसे डालना है, क्योंकि आप स्टार्ट करिए सीखना, उसके बाद एक एक करके हम लोग सीखेंगे। चलिए पैड फाउंडेशन का नंबर कहना है 77, 63, 83 और 77 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो। देखिए आप सारे पैड फुटिंग पे स्टार्टर आपके बन गए, आप देखिए यहाँ पे फटाफट इस तरीके से आपने क्या बोलते हैं इस पर डाल दिया। अब वो लोग सर इसमें आपने बताया तो है नहीं कि कितने एमएम के कितने बार डालने, हाँ भाई बताता हूँ ना,
को धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ लोग सोल्यूशन करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पूछिए आप कमेंट में, क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, क्योंकि लोगों को देखता हूँ मैं, बोलते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब के लिए पहले यार हमें किसी न किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको टेक्ला में स्किल बढ़ाना है तो बढ़ाइए, उसके बाद इस पर जॉब लीजिए। हर एक चीज़ पर जॉब है, इवन ऑटो कैड में बहुत सी जॉब है, रेविट में बहुत जॉब है, बट हमारे पास वो स्किल नहीं है। तो स्किल के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा या कुछ नया स्किल सीखना पड़ेगा। आप इस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट टेक्ला पे आपको मिलने मार्केट में। चलिए अब देखते हैं कि इस पे जो हमने बीम कॉलम डाला है, अभी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक स्टार्टर भी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, स्टार्टर भी पड़ेगा। तो स्टार्टर के लिए क्या करिए, यहाँ पे एक स्टार्टर डाल दीजिए, स्टार्टर आ गया, स्टार्टर लिया, स्टार्टर लेके स्टार्टर पड़ गया हमारा यहाँ पे। अब ये तो रहा, अब मैं सपने डाला, आप कर लीजिएगा। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, सर ये प्रोजेक्ट ही दे दीजिए या आप बना लो तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। चलिए ऐड ही कर दूंगा जिससे आपको आसानी रहे। इस तरीके से हमें सब पे स्टार्टर ऐड करते चले जाना है। टेक्ला बहुत इंटरेस्टिंग है और डिटेलिंग के लिए इतना इंटरेस्टिंग। अभी जब स्टील स्ट्रक्चर हम लोग का स्टार्ट होगा तब देखना, ऐसे ऐसे इसमें मेंबर बन जाते हैं कि आपको लगेगा वाह क्या बात है। मतलब बीबीएस वगैरह तो चुटकी में निकालता है, ये बीबीएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे बीबीएस निकालता है इसमें। तो ये बीबीएस वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से निकालते देता है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बार की सेटिंग्स करना है कि हम लोग बार कैसे सेट करना है, कितने वगैरह करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। टेक्ला में सारा काम डबल क्लिक पे होता है भाई, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये पूछता है आपसे ये अभी किसका कॉलम का प्रॉपर्टी खुल गया, आपको क्या करना है बार के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो बार का इंफॉर्मेशन खुलेगा। अगर कॉलम के ऊपर मतलब कि आरसीसी पर डालेंगे, आरसीसी देखिए खुल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपसे पूछता है ग्रेड, आप कौन से ग्रेड यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप जो साइज यूज कर रहे हो कितने एमएम का बार यूज कर रहे हो। आपके पास ड्राइंग आएगी, उस ड्राइंग में लिखा रहेगा कि क्योंकि आप क्या आप डिटेलर हो ना, एडिटर हो गया, एडिटर हो गए, तो आपके पास ड्राइंग आएगी, ड्राइंग एडिट करने के लिए वहाँ पर एडिट करो आपकी कितने उनको बार डालने हैं। ये देखिए मेन इतने का है, टाई कितने का लगाना है, मेन इतने का है, ओके करके ओके कर दो। आपके पास 16 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास जो हुक्स उन्होंने दिया है किस तरीके के दिया वो आप इस पे सब आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला हमने ले लिया, इसमें से आपको कौन सा लेना है वो ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कवर आपको क्या लेना है, अब ये क्या है कॉलम में आई थिंक मैंने सेलेक्ट किया था ना, तो कॉलम का कवर आपको पता है कितना होता है, 40 होता है। तो आप यहाँ पे कॉलम का कवर 40 दे दीजिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप उन इन्फॉर्मेशन को यूज करिए। उसके बाद यहाँ बार एंड पे आइए, अब यहाँ पे कॉर्नर में कितना 40 है, साइड में कितना 40 है, जो आपको वहाँ पे ड्राइंग में एडिट है। मैं इसलिए एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें ड्राइंग कोई हमारे पास नहीं है, आगे जब मैं ड्राइंग लेके आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कितने एमएम कितने बार डालने पड़ते हैं और कितना यहाँ पे कॉर्नर में साइज देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साइड बार्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, चेयर्स है जो एक दूसरे को रेनफोर्समेंट में आने आगे आने नहीं देती। यहाँ पे इसके साइजेस के बारे में डिस्कस किया है, क्या क्या साइजेस रखना है। इसके बाद स्टिरियर्स के बारे में डिस्कस है, स्टिरियर्स में यहाँ स्पेसिंग कितनी रखनी है, आपकी जो ड्राइंग है उसके ड्राइंग को रीड करिए। अब देखिए यहाँ पे 100 mm का बाई डिफॉल्ट है, मिडिल में कितना है, मिडिल जोन में कितना है, मिडिल जोन में 200 mm का है। और उसके बाद इधर वाले जोन में कितना है, 100 mm का है। कवर यहाँ पे कितने का दिया है, नीचे 50 का, आपको पता है कितने का होता है, 40 का, तो 40 दे दीजिए। आपको यहाँ पता है कितने का होता है, 40 का। हुक कितने का देना है, हुक किस तरीके का एंगल का देना है, आप हुक मैक्सिमम लोग यही वाला हुक प्रिफर करते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद जो स्टीरअप्स हैं उनके क्या क्या साइजेस रखे हो आप, 8 mm आपको हम लोग 8 mm भी रखते हैं ना स्टीरअप के साइज, इसको भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे बीम की डिटेलिंग कर सकते हैं, कॉलम की डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम की डिटेलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद यहाँ पे बीम के जो ऊपर जस्ट क्लिक करिए और बीम की भी डिटेलिंग कर दीजिए, कैसे डबल क्लिक करिए, इसमें डिटेलिंग हो जाएगी बीम की डिटेलिंग। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आके यहाँ पे हमने कवर दिया कितना, 25, यहाँ पे कितना कवर दिया, 25। ऑफ कोर्स बीम की कवर कितनी होती है, 25 होती है। इसके हुक्स के बारे में आपको देखना है, हुक्स कैसे लेना है आपको, इसका शेप कैसा देना है, यहाँ पे शेप दे दीजिए आप। मैं एक ड्राइंग लेके आऊंगा, उस ड्राइंग में आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस ड्राइंग में इस तरीके का हुक है तो इस तरीके की डिटेलिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपके पास जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे जोन 1 देखिए ये है, जोन 2 ये है, जोन 1 की स्पेसिंग क्या है, जोन 2 की स्पेसिंग क्या है, जोन 3 की स्पेसिंग क्या है,
उन स्पेसिंग के बड़े ही आसान तरीके से यार, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इनके स्पेसिंग क्वेरी करके अप्लाई करके ओके कर दो, बहुत ही आसान है। तो हमने इस तरीके से कॉलम को भी कर दिया, और इसी तरीके से बीम को करके हम लोग को अगर पैड फुटिंग के बारे में डिस्कस करना है कि पैड फुटिंग में कितने बार डालना है, तो इस पर डबल क्लिक कर दिया। इस पर डबल क्लिक करके देखिए पैड फुटिंग का एक्चुअल आपको फुटिंग कैसे इसमें स्ट्रेच डाला हुआ है वो दिखा देगा। यहाँ पे प्राइमरी बार पे आइए, यहाँ पे बार के साइजेस आपको क्या रखना है, जोन वन में या जोन टू में क्या रखना है, जोन थ्री में क्या रखना है वो दे दीजिए। यहाँ पे बार डायरेक्शन क्या रखना है आपको, ये डायरेक्शन आपको जो देना है वो डायरेक्शन देखिए। सेकेंडरी बार पे जाइए, सेकेंडरी बार जो है हमारे वो कितने एम एम के, कितने साइजेस क्या है, कौन सा एफ ई 415 है कि 500 है, स्पेसिंग कितना रखना है आप उसके बारे में बता दो। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको डबल क्लिक करना, और डबल क्लिक करके जो हमें रीडिंग मिली है, तो मेरे पास अभी वैसे रीडिंग नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि रीडिंग कोई आ जाए तो मैं उस पर रीडिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बार इसमें प्रोवाइड्स करते हैं कितने कितने एम एम की स्पेसिंग्स पे। मैं जल्दी इसको खोज के आपके सामने ड्राइंग लेके आता हूँ और उस पर हम लोग डिजाइन करेंगे। तो आज हमने आज की क्लास में हमने देखा किस तरीके से हम लोग अपने मेंबर्स पे बार प्रोवाइड करेंगे। तो बात देखना आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार इसको शेयर कर दो, और आप मेरे को बोलो सर अगर कोई सजेशन है तो आपको मुझे सजेस्ट करो, मैं डेफिनेटली उसको ही फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।